नमस्कार, जय हिंद। पूर्व सैनिकों के लिए 7 डायरेक्ट वैकेंसीज को हम डिस्कस करेंगे, जिसमें कि टोटल 400 से भी ज्यादा पद खाली हैं पूर्व सैनिकों के लिए। और जितने भी ये पद हैं पूरे इंटरव्यू बेस्ड जॉब हैं, बिना किसी परीक्षा, बिना किसी आवेदन शुल्क के। तो स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा हम लास्ट में 3 वेलफेयर अपडेट्स को भी डिस्कस करेंगे, जो कि आपके लिए और आपके बाल बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला है वैकेंसी ऑफ एक सर्विसमैन, 18 वैकेंसी है। कंपनी का नाम है वेल्सपन लिमिटेड, लोकेशन गांधीधाम। सैलरी इसमें है 33,000 इन हैंड, इसमें सैलरी रहेगा। सब्सिडाइज्ड फूड एंड एकोमोडेशन इसमें अवेलेबल है। कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, वहां से डायरेक्ट जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वैकेंसी है फर्नांडिस फाउंडेशन इन्वाइट्स एक्स डिफेंस सर्विस पर्सनल जेसीओ एनसीओ। कौन से पोस्ट के लिए? हेड सिक्योरिटी एंड ट्रांसपोर्ट। लोकेशन है, जॉब लोकेशन बोगुल कुंटा हैदराबाद। अब ये इसमें जो वर्क है, रोल है, वो टीम मैनेजमेंट का रोल है। वर्क फ्रॉम ऑफिस का इसमें वर्क है। बाकी डिटेल्स आप कंपनी में आप अपना सीवी भेज सकते हैं, वहां से आप डायरेक्टली उनसे कॉन्टैक्ट करके आप उनको मेल करें और उनसे ज्यादा जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो डिटेल्स है आप इसमें जाके उनसे आप ज्यादा उनको मेल कर सकते हैं, एचआर को मेल करके भी आप उनसे आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वैकेंसी को देखते हैं। वैकेंसी फॉर एक सर्विसमैन इन खाइबर सीमेंट। पोस्ट का नाम है सिक्योरिटी सुपरवाइजर, इसमें जेसीओ एनसीओ एप्लीकेबल हैं, एलिजिबल हैं। जॉब लोकेशन है श्रीनगर कश्मीर के लिए। अब इसमें अप्लाई कैसे करेंगे? अप्लाई करने के लिए आपको अपने रिज्यूम में जो है, जो बायोडाटा है, उसको careers@khaibercement.com उसमें भेजना है। और इसमें सिक्योरिटी सुपरवाइजर का रोल जो है उसके लिए आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। एक बढ़िया सा रिज्यूम बना लें। रिज्यूमे नहीं है तो आप सीवी या रिज्यूमे बना के बढ़िया सा उसमें पोस्ट अपने फोटोग्राफ्स को पेस्ट करें और इसमें careers@khaibercement.com में सेंड कर दें। वहां से आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाए। उसके बाद नेक्स्ट वैकेंसी है, इसमें बहुत बढ़िया वैकेंसी है, पैन इंडिया से इसमें पूर्व सैनिक संविदा के आधार पर इंटरव्यू बेस्ड जॉब है यहाँ पे। तो ये आया है डिपार्टमेंट ऑफ होम जेल एंड डिजास्टर मैनेजमेंट झारखंड। राज्य के काराओं में कक्षपाल, महिला कक्षपाल के रिक्त पदों पर भूतपूर्व सैनिकों को संविदा पर नियुक्ति। टोटल जो इसमें वैकेंसी है वो है 647। सैलरी इसमें क्या रहेगा? 20,000 मंथली है सैलरी। इसके अलावा ये जो सैलरी है वो ईयरली इंक्रीमेंट इसमें मिलेगा @8%, यानी हर साल 8% इंक्रीमेंट मिलेगा। इसके बाद 20 दिन पेड लीव है साल का, एक साल का 20 दिन पेड लीव रहेगा। इसके अलावा TADA as applicable इसमें TADA का भी प्रावधान है। अब इसमें एलिजिबिलिटी क्या है? मैक्सिमम एज इसमें जो पूर्व सैनिक जाने के लिए, इंटरव्यू के लिए जो जा सकते हैं, वो मैक्सिमम एज इसके लिए है, एलिजिबिलिटी है 55 years। अब इसमें कुछ स्पेशल प्रेफरेंस भी मिलेंगे। किनको किनको मिलेंगे? स्पेशल प्रेफरेंस टू एक्स सर्विसमैन हैविंग जो ड्राइवर ट्रेड है, या कंप्यूटर ऑपरेटर जो हैं जिनको कंप्यूटर चलाना आ रहा है, मेडिकल ट्रेड से या मेडिकल बैकग्राउंड से जो हैं, जिनका मेडिकल कोई ट्रेड है, उनको इसमें स्पेसिफिक उनको प्रेफरेंस मिलेगा। या इसी तरह के जो स्पेसिफिक ट्रेड लिए हुए हैं, जो ट्रेड हैं उनका टेक्निकली जो हैं उनको, या कोई स्टोरमैन है, उस टाइप के जो जो पोस्ट हैं, जो यहाँ पे जो ट्रेड हैं उनको यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा भर्ती में। इसके अलावा डिटेल नोटिफिकेशन जो है इसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी चलिए एक बार हम आपको डिटेल नोटिफिकेशन भी दिखा देते हैं, वहाँ पे आपको एक डिटेल जानकारी मिल जाएगा। यहाँ देखिए वॉकिंग इंटरव्यू है, ये इसका नोटिफिकेशन है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन इन्होंने जो जारी किया है। यहाँ पे अभी एक एक चीज को मैं नहीं पढ़ूंगा, यहाँ पे आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेंगे। इसके अलावा मैं आपको, अगर आपको नहीं मिल पा रहा है तो आप कॉमेंट करेंगे तो मैं आपको पर्सनली भी इसको भेज दूंगा। अभी यहाँ देखिए केंद्रीय कारावास दुमका में दिनांक 21/6/2024 को वहां पे नियुक्ति स्थान एवं तिथि, यहाँ इंटरव्यू होगा। उसके बाद जमशेदपुर, चाईबासा, सरायकेला और घाटशिला एरिया के लिए केंद्रीय कारा धागीडीह जमशेदपुर में 28/6/2024 को इंटरव्यू होगा। उसके बाद
जो लोकेशन है हजारीबाग, गिरिडीह, बोकारो, धनबाद, कोडरमा, चतरा, तेनुघाट, रामगढ़, बरही और ये सब लोकेशंस के लिए लोकनायक जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा हजारीबाग में 5 जुलाई 2024 को इंटरव्यू होगा। तो ये अलग अलग डेट है, आप अपने एरिया वाइज देख लें कौन से एरिया में आपका सुटेबल रहेगा एरिया जाने के लिए और उसी हिसाब से आप अपना प्लान कर लें। इसके बाद नेक्स्ट है रांची, लोहरदगा, गुमला, सिमडिगा, खूंटी, इसके लिए 12 जुलाई 2024 को है। कहाँ होगा? बिरसा मुंडा केंद्रीय कारावास, होटवार, रांची, ये दिनांक 12 जुलाई को होगा। आपको हो सकता है स्क्रीन के ऊपर ना दिख रहा, मैं डिक्टेट कर दे रहा हूँ, आप एक बार सुन लें, बाकी आप खुद भी पढ़ सकते हैं इसको, पूरा डिटेल में आपको सब कुछ मिल जाएगा। उसके बाद पलामू, लातेहार, गढ़वा के लिए केंद्रीय कारा मेदिनी नगर पलामू, इसमें 19 जुलाई 2024 को। टोटल इसमें जो सीट्स हैं वो 647 हैं। बाकी डिटेल्स आप यहाँ पे, मैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे मैं आपको बता दिया हूँ, बाकी आप इसको डिटेल पढ़ लें, सब कुछ आपको यहाँ पे दिया हुआ है नियुक्ति के लिए। बाकी जो इम्पोर्टेंट था वो ये है कि यहाँ पूर्व सैनिक अगर वेस्ट बंगाल से चाहें तो वो भी आ सकते हैं, आसपास के जो राज्य हैं वहाँ से भी पूर्व सैनिक इसमें आके, इसमें इंटरव्यू बेस्ड जॉब है तो इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं। उसके बाद जो भी उनको कारावास मिलता है, कारागार मिलता है, जो भी जेल उनको मिलता है उसमें जाके वो नियुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। चलते हैं आप अपने नेक्स्ट जॉब वैकेंसी में, इसमें अगर आपको नहीं मिल पा रहा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो आप कमेंट करेंगे, हम आपको स्पेशली भेज भी देंगे आपको आपके मोबाइल पे। नेक्स्ट है अहमदाबाद वडोदरा रूट पे, ये पैन इंडिया वैकेंसी है, ये भी जो पांचवें नंबर का है ये भी पैन इंडिया है, और चौथा तो था ही, चौथा भी पैन इंडिया था, इसमें पूरे भारतवर्ष से पूर्व सैनिक आके इंटरव्यू देके ज्वाइन कर सकते। अहमदाबाद वडोदरा रूट में UNI ग्लोबल्स रिसोर्स प्राइवेट लिमिटेड, इसमें 50 एक सर्विसमैन चाहिए, अहमदाबाद गुजरात में रिपोर्ट करना होगा। ये DFCCIL डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर के लिए यहाँ पे इकबालगढ़, महसाणा, अहमदाबाद, मकरारपुरा, गुजरात रूट पर यहाँ ड्यूटी होगा। मैक्सिमम एज है 52 ईयर्स एज, आर्मी रिटायर्ड किसी भी ग्रुप से हो सभी अप्लाई इसमें कर सकते हैं, बिना हथियार के यहाँ ड्यूटी रहेगा। उसके बाद यहाँ जो सैलरी है वो एज पर DGR नॉर्म्स रहेगा, वर्किंग आवर देख सकते हैं 30 दिन का रहेगा। सैलरी क्या है? CTC कॉस्ट टू कंपनी है 39,142 पर मंथ, इन हैंड इसमें मिलेगा 34,334। बाकी जो डिटेल्स है आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, रहने खाने का ये व्यवस्था देंगे। उसके बाद आपको जो भी यहाँ पे डिटेल्स हैं आप यहाँ से इनसे रिक्रूटमेंट टीम से आप पूछ सकते हैं, ये तीन कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, यहाँ से आप पूछ सकते हैं इनको, जो भी इंक्वायरी है आपके पास वो आप उनसे बात करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो जॉब है वो है PSO फॉर मधुबनी, इसमें एक सर्विसमैन के साथ साथ रिटायर्ड CAPF के जवान भी जा सकते हैं। मधुबनी बिहार के लिए वैकेंसी है, 8 घंटे 26 दिनों की इसमें ड्यूटी रहेगी। सैलरी जो है वो 35,000 रहेगा, वेपन में पिस्टल या रिवॉल्वर चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है PSO कटिहार बिहार लोकेशन के लिए चाहिए, एक सर्विसमैन के साथ साथ CAPF के जवान भी इसके लिए एलिजिबल हैं, 8 घंटे 26 दिनों की ड्यूटी आवर रहेगा, सैलरी इसमें 40,000 पर मंथ, वेपन चाहिए 315 मॉडिफाइड राइफल। कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं वेलफेयर अपडेट्स। सबसे पहले रिजर्व डिफेंस सीट्स इन मेडिकल डेंटल कॉलेजेस एज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉमिनी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कोटा। अब डिफेंस कोटा में क्या क्या कितने सीट्स हैं और उसको किस तरह से हम अवेल करेंगे वो हमको नॉलेज होना चाहिए अपने बच्चों के लिए, अपने डिपेंडेंट्स के लिए। तो ये इसका जो PDF है ये हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देंगे, बाकी आप वहां पे जाके पूरे डिटेल में इसको चेक कर लें। अगर आप अपने बच्चों को मेडिकल की तैयारी करवा रहे हैं और डिफेंस कोटा उनको दिलवाना चाह रहे हैं तो ये आपके लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट है। अगर नहीं भी है तो आप इसको अपने सैनिक भाइयों को, अपने पूर्व सैनिक भाइयों को शेयर भी कर सकते हैं जाके, ताकि वो भी इससे लाभान्वित हो सके। पूरा डिटेल्स इसमें है, पूरा इसको आप पढ़ सकते हैं और इसमें जितने भी फॉर्म्स हैं, क्या क्या इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कितने सीट्स अलॉटमेंट होते हैं, सब कुछ इसमें डिटेल दिया हुआ है। आपको स्क्रीन के ऊपर अभी दिख नहीं रहा होगा इसलिए आप इसको नीचे डिटेल में आप इसको हमारे टेलीग्राम चैनल पर, हम इसको PDF को शेयर कर देंगे, वहां से आप इसको चेक कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट वेलफेयर अपडेट है दैट इज फ्रॉम KSB से है, केंद्रीय सैनिक बोर्ड से ये वेलफेयर अपडेट है। वो क्या है साहब? तो इसमें इन्होंने एक वेलफेयर अपडेट किया, ये अपडेट क्या दिया है
टेम्पररी क्लोजर ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन अंडर फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रेन विडोज ऑफ एक्स सर्विसमैन। तो ये क्या है, टेम्पररी क्लोजर रहेगा जो वेबसाइट है केंद्रीय सैनिक बोर्ड का, कब से कब तक, 12 जून 2024 से 21 जुलाई 2024 तक, इतने अवधि के लिए ये मेंटेनेंस वर्क के लिए इनका जो वेबसाइट है क्लोजर रहेगा। यानी कोई भी नया आवेदन, यानी जो सीए के लिए अप्लाई करते हैं उसके लिए नया आवेदन अभी इस टाइम पीरियड के दौरान नहीं होगा। उसके बाद फिर ये 22 जुलाई 2024 ऑनवर्ड से ये फिर रिज्यूम हो जाएगा, फिर दोबारा से ये कार्यान्वित हो जाएगा। तो ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन था, इसका भी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, उसे आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद जो तीसरा वेलफेयर अपडेट है वो है जून वाइज रिक्रूटमेंट रैली शेड्यूल 2024-25। अब इसमें इंडियन आर्मी का रिक्रूटमेंट रैली जो है वो आप इसको देख सकते हैं, अगर आप अपने डिपेंडेंट के लिए इंडियन आर्मी में रिक्रूटमेंट के लिए तलाश कर रहे हैं। वैसे एनडीए सीडीएस का भी जो एप्लीकेशन आया था उसके लिए भी हमने अपडेट किया था कि इसके लिए आवेदन हो रहा है, तो आप अपने डिपेंडेंट्स को एनडीए सीडीएस में अगर मौका देखना चाह रहे हैं तो वो भी हम अपडेट किए थे। इसके अलावा ये पूरे पैन इंडिया जोन वाइज रिक्रूटमेंट शेड्यूल है, रैली शेड्यूल है, वो आप इसको देख सकते हैं, ये भी हम टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देंगे, वहां पे आप डिटेल में इसको तो आप चेक कर सकते हैं और इसके उसी के हिसाब से आप अपना प्लान कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास जो इंपॉर्टेंट वेलफेयर अपडेट्स और जॉब अपडेट्स। अभी हम इस वीडियो में सिक्योरिटी एजेंसी का अपडेट नहीं लेके आ पाए क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाता, नेक्स्ट वीडियो में हम डीजीआर सिक्योरिटी एजेंसीज का भी अपडेट लेके आएंगे जो आपके कमेंट्स के आधार पे थे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद। और बाकी आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं, अगर आप टेलीग्राम चैनल एप्लीकेशन इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आप एटलीस्ट व्हाट्सएप चैनल को यूज़ कर सकते हैं, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं और इम्पॉर्टेंट वेलफेयर अपडेट जॉब अपडेट से लाभान्वित हो सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सब कुछ ये सुविधाएं मिल जाएंगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।